नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। शहरी इलाकों में कहर बरपाने के बाद कोरोना ग्रामीण इलाकों में पैर पसार रहा है। आलम यह है कि वक्त पर टेस्टिंग और समय रहते बेहतर इलाज ना मिल पाने की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। गाँव में हालात इस कदर भयावह हो चले हैं कि हर घर में लोग बीमार पड़ रहे हैं, काफी तादाद में लोग दम भी तोड़ रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती गाँव के लोगों की टेस्टिंग और इलाज है। देश में हालात भले ही सुधरते नजर आने लगे हों, लेकिन डराने वाली बात यह है कि देश की करीब 70 से 80% आबादी भारत के गाँव में रहती है, और अगर कोरोना संक्रमण इसी रफ्तार के साथ ग्रामीण इलाकों को चपेट में लेता रहा तो स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। ऐसे में ग्रामीण इलाकों के लिए क्या है सरकार की तैयारी और ग्रामीणों के लिए क्या है संक्रमण से बचाव के तरीके, ऐसे तमाम मुद्दों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गांव गांव में मातम पसरा है, घर घर में खौफ का मंजर है। कोरोना ने गांव में ऐसा कोहराम मचाया है कि हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही है। गांव में कोरोना कोहराम मचा रहा है, वक्त पर इलाज नहीं मिलने से लोग मर रहे हैं, तो गांव में कोरोना भगाने के लिए अंधविश्वास का भी सहारा लिया जा रहा है। एमपी के बालाघाट जिले के खरपड़िया गांव में ग्रामीण कोरोना भगाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। लखनऊ के हजरतगंज से महज 20 किलोमीटर दूर इमलिया गांव के इस परिवार को वक्त पर कोरोना का इलाज मिल गया होता तो आज यहां मातम नहीं पसरा होता। पहले ये प्राइवेट का ऑक्सीजन की बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो ऑक्सीजन उस अस्पताल में अवेलेबल था, इस चक्कर से हम लोग जो है वहां पे एडमिट कराया। अशोक कुमार के परिवार में पिछले 25 दिन में 7 लोगों की मौत कोरोना से हो गई। इन लोगों का आरोप है कि प्राइवेट अस्पताल में टाइफाइड मानकर इलाज किया गया, नतीजा ये हुआ कि पूरा का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आ गया। हॉस्पिटल में रहते हुए जो है, और डॉक्टर ने बता दिया कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है, इनकी किडनी बेकार हो गई है, ये है वो है, यही सब बताते रहे। दूसरे दिन खत्म जब बताया। इतना कुछ हुआ उसके बाद कोई डॉक्टरों की टीम अधिकारी कोई सब आया आपके घर पे? कोई कुछ नहीं है, हम लोग अपने आप से जो है जा के मतलब जाँच करवाए हैं अभी। हाँ, सब लोग प्राइवेट डॉक्टर से दवाई, कोई अधिकारी नहीं आया अभी तक है उसके पास। दिन आए थे, कौन आया था? एक एसडीएम सर आए थे, हम लोग बोले थे सैनिटाइजर, हम लोग टेस्ट कर, भैया बोल रहे थे एसडीएम सर थे यहाँ पर, मतलब वो पूरे बोले कि हमारे घर को पूरे गांव को सैनिटाइज करवाइए, बट अभी तक कोई नहीं आया। कल हो जाएगा, बोले कल हो जाएगा, और अभी तक कोई भी नहीं आया है, और हम लोग खुद अपना टेस्ट करवा रहे हैं और खुद अपना प्राइवेट डॉक्टर ढूंढ के सब लोग इलाज करवा रहे हैं। दावे कर रहे हैं कि लखनऊ के सभी गांवों में लगातार निगरानी करी जा रही है, सबको चेक किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, सबको इलाज दिया जा रहा है, सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन ये परिवार साफ कह रहा है कि 7 मौतें हुई परिवार में, उसके बावजूद कोई अधिकारी नहीं आया, कोई मेडिकल टीम नहीं आई, कोई सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम यहाँ नहीं चलाया गया। 7 मौतें हुई हैं, अपने आप में भले ही अधिकारियों के लिए ये आंकड़ा हो, लेकिन किसी के घर में एक भी मौत हो जाती है तो पूरा परिवार मानो टूट जाता है, और किसी घर में 7 मौतें हो जाए तो आप कल्पना करिए उस परिवार पर क्या गुजर रही होगी। गांव में कोरोना से इतने हालात बिगड़ चुके हैं, बावजूद इसके प्रशासन की लापरवाही देखिए, अभी तक गांव में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई तक नहीं की गई है। यहां कोरोना विकराल रूप अख्तियार कर रहा है, लेकिन गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं। कोई विकास नहीं है हमारे यहाँ, एक जो है अस्पताल चाहिए जिससे कि हम लोगों को सुविधा मिल सके। सुविधा नहीं, हम रात में 12 बजे या तो जो है यहाँ 6 किलोमीटर दूर खेमपुर ले जाएं या रायबरेली ले जाएं, कोई यहाँ सुविधा है नहीं। साहब इसी तरीके है ना, अस्पताल है ना, कोई व्यवस्था है ना, कोनो दूध का धंधा जो करते हैं रायली दूर ले जाते हैं, कोई दूध के विषय में उत्पादन नहीं होता ना, तो अस्पताल द्वारा कोई व्यवस्था अलग से की गई ना, तो अलग से कोई जाँचें करवाई गई ना, तो कोविड की मतलब टीकाकरण हुआ यहाँ से, अलग से कोई व्यवस्था नहीं हुई। कोरोना से लोग बीमार हो रहे हैं, लेकिन इस गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से लोगों की जांच तक नहीं हो रही। आज भी गांव के लोगों को 5 किलोमीटर दूर अस्पताल में जाना पड़ता है।
सन 2014 में राहुल गांधी ने वोट दिया था और जैसी भी स्थिति हमारे गांव पड़ी थी, रोड नाली सड़क खंजा सब टोटल एकदम बहुत बुरी स्थिति है, उन्होंने हमारे गांव में कुछ नहीं किया। इस गांव को 2014 में अमेठी से सांसद रहे राहुल गांधी ने गोद लिया था, लेकिन आज तक गांव की तस्वीर नहीं बदल सकी। सबसे हैरानी की बात यह है कि कोरोना जैसी घातक बीमारी फैलने पर भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। 12 बंकी जिले के तमाम गांवों में हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि लोगों को इलाज नहीं मिल रहा, मजबूरी में लोगों को झोलाछाप डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है। जिले के कई गांव में झोलाछाप डॉक्टरों के पास मरीजों की भीड़ लगी रहती है। सर्दी जुकाम और बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज झोलाछाप डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन किसी भी मरीज की कोरोना जांच तक नहीं करवाई जा रही। नतीजा है कि गांव में कोरोना तेजी से फैल रहा है। तो गांव की स्थिति कैसे सुधरे, इसी पर बातचीत करेंगे। तीन खास डॉक्टर, देश के जाने माने डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। परिचय मैं आपका करा देता हूं, उसके बाद इनसे हम चर्चा शुरू करेंगे। डॉक्टर शरद पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर विक्रांत शर्मा हैं और डॉक्टर सुदीप पाठक हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर सुदीप आपसे ही करना चाहूंगा। गांव की अभी हमने पूरी रिपोर्ट दिखाई, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले शामिल थे, मध्य प्रदेश से भी कुछ रिपोर्ट इस तरह की हैं कि गांव गांव में संक्रमण फैला या बुखार आए, पता ही नहीं चल पाया कि वो कोरोना था या नहीं था। तो ऐसे में गांव के लोगों की सुरक्षा आज के समय में कैसे हो सकती है, जबकि वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत कमजोर है। देखिए, इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि कोरोना एक अपने आप में इस प्रकार की बीमारी है जो कि गांव में फैल गई है। दूसरा, हमें हमारा जो पूरा जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है जो कि गांव में है, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, चाहे वो सेकेंडरी हेल्थ सेंटर है, चाहे वो CHC है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या उसके पहले के और नीचे लोग जो है जैसे कि आशा है, ANM कार्यकर्ता है, इन सब लोगों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। और इनको इन्वॉल्व करके हमें जागरूकता के साथ लोगों से सबसे पहले ये भय निकालना पड़ेगा कि आपको इससे डरना नहीं है, आपको आगे आके स्वेच्छा से आपको जब भी इसका कोई लक्षण होए तो आपको इसकी टेस्टिंग कराएं जो भी स्वास्थ्य सेंटर में जिसकी टेस्टिंग होती है, और जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता है चाहे वो आशा हो, ANM हो, नर्सिंग स्टाफ हो, मेडिकल ब्लॉक ऑफिसर्स हो, टेक्नीशियंस हो, उन सबको हमें इनके साथ जुड़ना पड़ेगा ताकि भारी मात्रा में जहाँ जहाँ पे ऐसे केसेस आ रहे हैं वहाँ पे हम उस एरिया को आइडेंटिफाई करें, उसमें हम लोगों में जागरूकता फैलाएं, उसमें उन लोगों से ये भय हटाएं कि इसमें करने से आपको आपका फायदा ही होगा, आपका नुकसान नहीं होगा। और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी कर सकते हैं क्योंकि RT-PCR तो मुश्किल होगा, और उसको करके हमें पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उसमें से जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं उन्हें हमें सेपरेट करके उन्हें कोविड केयर सेंटर्स में शिफ्ट करें। तो मैं भारी मात्रा में हमें जागरूकता और टेस्टिंग और लोगों में इसका अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है सबसे पहले तो। डॉक्टर शरद पंडित, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या प्लानिंग इस वक्त सरकार अपनाए ताकि गाँव में संक्रमण को रोका जा सके? अच्छा प्रश्न है। अब हमारी जो चिंता है मुख्य रूप से वो ग्रामीण क्षेत्र हो गए। प्रभाव बढ़ा है तो एक संबंध में जब अपनी गतिविधियों को जो है शहर में जो चल रही थी उससे अब थोड़ा सा हमको जो है फोकस जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में करना पड़ेगा। एक तो गांव में जो है वो आवाजाही हमको रोकना पड़ेगी लोगों की, वहां बैरिकेटिंग और अन्य जो है वो जो है अपने को उपाय जो है अपनाना पड़ेंगे। दूसरा जो है गांव में जो एक ये जो कोरोना के प्रति भ्रम है या अंधविश्वास है जो धारणा इस तरह की बन गई है उसको दूर करने के लिए देखिए हमारे पास जो है ग्रामीण स्तर पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमजोर जरूर है, परंतु फिर भी आज पूरे देश में लगभग 10 लाख आशा वर्कर्स हैं हर गांव में है। और इसके साथ साथ जो है जो हमारे पंचायत सचिव रहते हैं, इसके अलावा जो है हमारे पंच रहते हैं, ये लोगों को हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पहले जो है ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य समितियां भी बनी थी तो ये सबको हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, इनको सक्रिय करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है बहुत सी जगह ये केवल कागजों पर हो। तो इन जो है ग्राम स्वास्थ्य समितियों का ये दायित्व है, साथ में आशा कार्यकर्ताओं को हम जो है अपने साथ लें
और ये लोग मिलकर जो है गांव में गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाएं। इन गतिविधियों में ना सिर्फ अवेयरनेस की गतिविधि है, उनका अंधविश्वास दूर करना, कोरोना के बारे में जो लोगों में मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करना पड़ेगा। हमको बताना पड़ेगा कि अभी कोरोना का यदि जल्दी से हम लोगों ने डायग्नोसिस कर लिया और उपचार प्रारंभ हो गया तो इसमें जो है 85% जो है अब क्योर रेट हमारी है और बहुत अच्छा सुधार हो जाता है। तो ये सारी चीजें उनको जो है समझाना पड़ेगी। अभी तक उनके मन में ये धारणा रहती कि कोरोना हो गया मतलब जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो मृत्यु होगी और इसकी वजह से जो है हम लोग परेशान हो जाएंगे, हमारा परिवार परेशान हो जाएगा। तो उनको यदि ये जो है समझाया जाए कि इसको यदि हम बराबर जो है डॉक्टर्स की सलाह पर ट्रीटमेंट करवाएंगे तो जो है पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। दूसरा जो है उपाय है, शासन को इस जो है पे भी विचार करना चाहिए कि हम जो है वहाँ कुछ कैंप लगाए गाँव में, इसके साथ ही साथ जो है डॉक्टर्स की टीम भेजें, कुछ मोबाइल टीम्स को भी हमको मोटिवेट करने की जरूरत है तो वहाँ भेजें। और गांव में जो है क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है, हमारे कहीं जो है वो पद खाली पड़े हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अलग रणनीति बना के वहाँ के लिए एक रोड मैप बनाकर उस पर हमको जो है वो काम करना पड़ेगा। तो ये यदि हम जो है स्ट्रेटेजी अपनाएंगे तो निश्चित रूप से गाँव में जो है इसको हम नियंत्रित कर पाएंगे और ये बहुत आवश्यक है क्योंकि यदि हमने नहीं फोकस किया तो ग्रामीण क्षेत्रों में इसको कंट्रोल करने में बहुत कठिनाइयां आएंगी। तो ये मेरा सुझाव है कि इस पर जो है अमल किया जाना चाहिए और एक अलग से प्लानिंग बना के ग्रामीण क्षेत्रों को हमको कवर करना चाहिए। ठीक, हाँ डॉक्टर विक्रांत, इसमें आपकी क्या सुझाव है सर, आपका ओपनिंग कमेंट? देखिए मैं समझता हूँ कि ये जो डिजीज थी का इतना बड़ा स्केल था, इतने बड़े लेवल पे पैनिक है, कोई भी स्वास्थ्य ढांचा हो, किसी भी देश का हो, डेफिनेटली अंडर प्रेशर होता है। लेकिन अब हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है, मेडिसिन अवेलेबल है कि अब हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली अब ये गाँव की तरफ तो फैल ही गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ज्यादातर गांव में लोग पढ़े लिखे हैं, इंटरनेट अवेलेबल है, मोबाइल अवेलेबल है, तो उनके पास ऑलरेडी काफी सूचनाएं हैं और उनके थ्रू हम सूचना दे भी सकते हैं। दूसरी चीज है कि हमें जल्दी से जल्दी ग्रामीण आबादी को वैक्सीनेट करना होगा। वैक्सीनेशन के अलावा और कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है जिसको अभी या फर्दर तो और थर्ड वेव या उसके बाद में फोर्थ वेव को रोका जा सकता। मैं समझता हूँ इसका रोकने का फ्यूचर में तरीका है मैक्सिमम लोगों का वैक्सीनेशन। अभी जो लोग हैं इन्फेक्टेड हैं या प्रोन हैं इन्फेक्शन के लिए, उसके लिए अभी जो बताया डॉक्टर शरद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि यू कैन डू कैंप एंड अदर थिंग, उनको जल्दी से जल्दी डायग्नोज करें, जल्दी से जल्दी आइसोलेट करें और वहीं उनको प्राइमरी लेवल वन का उपचार तो उनको दिया ही जाता है। इसके अलावा काफी अच्छा ढांचा भी खड़ा हो गया है, लोगों के पास अभी नॉलेज भी है इसको ट्रीट करने के, मेडिसिन अभी अवेलेबल हो रही है, तो उसको हम अभी कंट्रोल कर सकते। ठीक डॉक्टर सुदीप, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इतनी सारी हमने चीजें कर ली हैं, इतनी सारी दवाइयां आ गई हैं, क्या कोविड का एक फुल प्रूफ हमारे पास दवाइयों का प्लान है जिसे हम गांव में सर्कुलेट कर सकें जिससे वो लोग ठीक हो सकें और जो भ्रम हैं इधर उधर के उनमें ना जाकर और उन दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो भी बहुत मिनिमल हो या बहुत कम हो? देखिए जो दवाइयां हैं बेसिकली इसमें, क्योंकि ये बेसिकली एक वायरस है, एक वायरल इन्फेक्शन है, तो सही मायने में आपको मैं बताऊं कि आज भी हम रोज मरीज को यहाँ पे उपचार कर रहे हैं, हम जैसे टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं या हम अस्पताल में देख रहे हैं, जो 85% जो मरीज हैं वो मरीज बेसिकली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं और हो सकते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आपका बुखार की गोली पैरासीटामोल आती है, विटामिन सी आती है, जिंक आती है, सर्दी जुकाम है तो खांसी है तो उसके लिए एंटी एलर्जिक टैबलेट और सिरप आती है। हम इतने ही दवाइयों में भोपाल में शहर में रह के भी ट्रीट कर रहे हैं मरीज को और वहाँ पे भी इतने से ही मरीज को ट्रीट करना चाहिए। इससे ज़्यादा हमें कहीं पे भी बिना कोई सीनियर फिजिशियन या कंसल्टेंट या पल्मोनोलॉजिस्ट के परामर्श के बिना, चाहे वो एंटीवायरल हो चाहे वो स्टेरॉयड हो, उस पर नहीं जाना चाहिए। बिकॉज आप अगर हम उस पर जाएंगे तो हमें उसके परिणाम दिख रहे हैं जिसको हम छेड़ रहे हैं ब्लैक फंगस के नाम से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए कि हम कोरोना पे तभी जीत पाएंगे जब ये जाके गांव में और छोटे छोटे कस्बों में जाके कंट्रोल होगा, कंटेन होगा, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं हो पाएगा।
आप देखेंगे शहर में अपने 6 से 8 महीने 1 साल में मोस्ट लाइकली आप देख लेना वैक्सीनेशन भी बढ़ेगा, वैक्सीनेशन के साथ साथ दवाइयां सुविधाएं ऑक्सीजन भी आएगी, शहरों में कंट्रोल हो जाएगा। बट क्या होगा, गाँव में बहुत ही अलग है। वहां पे आपको मैं बताऊं कि हमारे पास गाँव से मरीज के फोन आते हैं, गाँव से मरीज जो हमारे शहर में आते हैं, उन लोगों में एक सबसे पहले एक भय है, भय ऑफ अननोन, मतलब क्या अज्ञान कोई क्या चीज है ये। उनको सबने ये देखा है कि कोरोना हुआ तो आपको ले जाएंगे कोई एक अलग सेंटर में रख देंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद फिर आप नहीं मिलोगे। तो वो हमें ये सबसे पहले ये भय और ये सब चीजों से हमें सबसे पहले उनसे निकलना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा। जागरूकता बहुत बुरी तरह से बहुत अच्छे से हमें करनी पड़ेगी और हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे मैसिव स्केल में रैपिड टेस्टिंग करके कि कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि कुछ कुछ क्लस्टर्स हो रहे हैं, कोई कोई गांव में ज्यादा हो रहे हैं, जैसे आपने देखा यूपी में उन्नाव में और कानपुर में कहीं कहीं पे क्लस्टर्स में गाँव में आपने देखा होगा ज्यादा हो रहा है। तो वहाँ पे मैसिव स्केल में आप रैपिड टेस्टिंग करिए, उन लोगों को आइडेंटिफाई करिए। मैंने एक हमेशा सुझाव दिया है कि जिस जिस गाँव में इस तरह से बहुत लार्ज स्केल में जैसे पॉपुलेशन अगर इन्फेक्ट हो गई है तो वहीं आसपास कोई एक कोविड केयर सेंटर आप एक बनवा दीजिए मेकशिफ्ट, ताकि जो लोग को वहीं पे गांव के पास ही रहे तो उनको ये भय नहीं लगे और इसी चीज का। और उसमें से भी जो मरीज ज्यादा आपको लगता है कि सीरियस हो रहा है तो उसको आप नियर बाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें। तो ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया है और हालांकि बोलना बड़ा आसान है कि अपन को गाँव में वैक्सीनेशन करिए, मतलब हमने खुद देखा है गांव वाले, मतलब वो अपने आप होके वैक्सीनेशन तो बहुत मुश्किल है उनको कराना, शहर में तो फिर भी अपन करा लेंगे, एक समस्या है। ठीक डॉक्टर शरद पंडित, एक चीज बड़ी कॉमन है सर, हम दोषी ठहरा देते हैं जिन्हें हम झोला छाप डॉक्टर कह देते हैं अक्सर, लेकिन सर ऐसा लग रहा है कि इस पेंडेमिक में दौर में जब बहुत तेजी से बुखार आए और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बहुत सारे मरीज तो ऐसा है जो बेसिक दवाइयां लेकर ठीक हो जाते हैं और ये कई बार झोला छाप डॉक्टर जिन्हें हम बोल देते हैं वो दवाइयां दे भी देते हैं, शुरुआती तौर पर ठीक भी हो जाते हैं, कई जगह ऐसे भी हैं कि ये लोग टाइफाइड बताकर मरीज की और स्थिति बिगाड़ देते हैं। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं सर, इनकी भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं ग्रामीण स्तर पर, इन्हें हम बिल्कुल नजरअंदाज कर सकते हैं क्या सर? देखिए क्या है कि जो बेकरी है उसको तो किसी भी स्थिति में जो है वो अनुमति नहीं दी जा सकती। जो हम लोग झोला छाप डॉक्टर या अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स बोलते हैं उनसे उपचार कराना तो जो है वो हमारे जान को खतरा ही रहेगा। तो मैं ये एडवाइस नहीं करूंगा, मैं इस संबंध में यही कहूंगा कि देखिए जो हमारे पास वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो ट्रेनिंग लिया हुआ हमारा भले ही वर्कर है, वो आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, वो लोगों को कुछ हम लोगों ने बेसिक ट्रेनिंग के साथ तैयार कराया, गांव में उनको जो है उनका पदांकन किया हुआ है, वहां उनको पोजीशन किया हुआ है। तो प्राइमरीली जो है यदि कोई तकलीफ होती है तो आपके गांव में यदि जो है आंगनवाड़ी है, उप स्वास्थ्य केंद्र, वहां जो कार्यकर्ता है या हम लोगों ने उन लोगों के पास जो है मेडिसिन के किट भी दिए हुए तो उनसे उपचार लेना या उनसे राय लेना फिर भी जो है वो जो है उतना खतरनाक नहीं है, यानी वो सुरक्षित रहेगा। दूसरा जो है मैंने जैसा सुझाव दिया यदि डॉक्टर्स नहीं है तो हम लोगों को मोबाइल टीम या कोई डॉक्टर्स का कुछ दिनों के लिए वहां कैंप लगाकर जो ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है उनमें ये जो है स्ट्रेटेजी भी अडॉप्ट की जाती है। तो मेरा ये कहना है कि झोला छाप डॉक्टरों वाली जो है डिपेंडेंसी वो तो ठीक नहीं है, वो ज्यादा जो है नुकसान कर सकते हैं। दूसरा ये है कि देखिए अभी आप देख रहे हैं इरेशनल यूज ऑफ एंटीबायोटिक, इरेशनल यूज ऑफ स्टेरॉइड, तो ये सारी चीजें जो है दूसरे चीज के लिए कॉम्प्लिकेशन जो है वो इसमें जो है माइकोसिस या फंगल इन्फेक्शन, ये सारी चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि हम मतलब जो है अपना जो ये छोटा यदि करना है जो ट्रेंड इस पर उसी से उपचार ना कि आप यदि वो रेशनलाइज यूज ऑफ एंटीबायोटिक करेंगे, स्टेरॉइड है, यदि स्टेरॉइड जो है वो रेशनलाइज यूज नहीं होगा तो उसमें वो आपको दूसरी जो है समस्याएं जैसे कि फंगल इन्फेक्शन अभी आ गया है, तो ये सारी चीजें जो है होने का डर बना रहता है। तो मैं ये सुझाव दूंगा कि हमारा जो वहाँ ट्रेंड स्टाफ है उससे लें परामर्श, वहाँ हम कुछ स्वास्थ्य शिविर लगाएं, हेल्थ के कैंप्स लगाएं, दूसरा मोबाइल टीमें भेजें, वो लोग जो है यदि नहीं है तो ऐसे केसेस को सुरक्षित स्थान पर जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं या जो हमारे ब्लॉक हॉस्पिटल है, कम्युनिटी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां भेजना उचित होगा। और किसी क्वालिफाइड डॉक्टर्स यदि है
तो उसके पास पहुंचाएं, ना कि गांव में अप्रिशिएटेड डॉक्टरों से उपचार लें। डॉक्टर विक्रांत, आपको लगता है कि हम गांव में उन डॉक्टर को चिन्हित कर सकते हैं जो क्वालिफाइड हैं, लेकिन कोरोना के बीमारी को लेकर थोड़ी सी उनकी जागरूकता की कमी है और सुनी सुनाई बातों पे हमने देखा है कि रेमडेसिविर हो या फिर फेबीफ्लू, इन सब का प्रिस्क्रिप्शन आइवरमेक्टिनोन का बहुत ज़्यादा हुआ है, तो क्या हम उन डॉक्टर्स को भी चिन्हित करके जो कुछ क्वालिफाइड हैं उनको हम बता सकते हैं कि आपको ये उपचार करना है 3 से 4 दिन, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप इनको फिर हॉस्पिटल रेफ़र कीजिए, उन लोगों को भी तो हम चिन्हित कर सकते हैं ताकि वो कुछ काम आ जाए, उन्हें हम अपने साथ जोड़ सकते हैं, बेशक वो बड़े हॉस्पिटल वाले नहीं हैं, छोटा क्लिनिक ही चलाते हैं। बिल्कुल, हम ये कर सकते हैं। अब तो हर गांव में लगभग नेट अवेलेबल है, तो हम जैसे वेबिनार या जूम मीटिंग के थ्रू हम उनको एक छोटे छोटे कोर्सेज करा सकते हैं वीकली या हर 15 दिन के, कि आपको किस लक्षण के आधार पर क्या दवा देनी है और किस समय तक आपको उसका इलाज करना है। इसके ऊपर अगर स्थिति थोड़ा गंभीर होती है यानी लेवल 2 तक पहुँचता है मरीज, तो आप उसको तुरंत रेफर कर दीजिए हायर सेंटर, तो इससे तो हायर सेंटर्स का बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। जो मरीज घर पर ठीक होने वाले हैं या कम लक्षण वाले हैं या सामान्य दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, वो बर्डन वो मरीज अस्पताल नहीं आएगा और वो बिस्तर और वो मैन पावर जो अस्पताल की है वो गंभीर मरीजों को इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरा, जो अनचेक अनकंट्रोल ट्रीटमेंट किया जाता है वहाँ पे गाँव में उनके लेवल पे हाई डोज स्टेरॉइड लिया या और उनकी दवाइयाँ हैं जिनके और साइड इफेक्ट हैं, वो भी हम रोक सकते हैं। तो ये बेहतर आइडिया है कि हम उनको ट्रेन कर दें। अभी हमारे यहाँ पे कुछ इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, तो डॉक्टर्स को आपस में ट्रेन किया जाता है, तो ये प्रोटोकॉल इस तरह का एक सिस्टम हम गांव के ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी बना सकते हैं। ये इसी कोरोना के लिए नहीं, बाकी दूसरी बीमारी में भी काफी लाभदायक है। डॉक्टर सुदीप, एक चीज़ और है, गाँव के जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा सामाजिक चेतना अपने अंदर रखते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और हमने ऐसे केसेस भी सुने हैं सर कि अगर किसी की डेथ हो जा रही है तो वो कोशिश करते हैं कि इसका अंतिम संस्कार व्यक्ति का ज़रूर किया जाए, जो कोविड प्रोटोकॉल बना हुआ है उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं। एक धारणा और होती है गांव वालों के अंदर कि हमारी इम्यूनिटी तो बहुत तेज़ है, हम शहरों की तरह खान पीन नहीं, हमारा खाना पीना अच्छा है, दूध पीते हैं हम, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग कोविड की चपेट में आए हैं। कुछ इमोशनल जो अटैचमेंट रहता है या सामाजिक चेतना रहती है कि नहीं, किसी का अंतिम संस्कार ठीक से ही हुआ हो ये जानते हुए भी कि उसको कोविड है, इस तरह के केसेस भी सामने आ रहे हैं सर, ऐसे में कैसे उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सामाजिक दायरा जो है उनका उससे वो लोग बाहर नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। इसमें मैं बता रहा हूँ, सबसे जो ज़्यादा कारगर नीति हमारी रहेगी वो है हमें उनको जागरूक करना, उनको इसके बारे में अवगत कराना, उनको हर प्रकार से हर माध्यम से उनको इसके बारे में एजुकेट करना, चाहे वो टीवी हो चाहे वो वीडियो हो, क्योंकि आजकल गांव-गांव में हर कस्बे में इसका पेनिट्रेशन है, उनको कोरोना के बारे में उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनको उन्हीं की भाषा में हमें उनको अवगत कराना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अगर सर्दी खांसी जुकाम है आपके आसपास में तो अपन को 2 गज की दूरी बनाकर रखे, मास्क पहने, सफाई रखे, हाथ धोए, और जो अगर घर में किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है तो उसको इमिडिएटली अपने स्वास्थ्य केंद्र में जाकर उसका एंटीजन टेस्ट कराए, या फिर कोई भी आशा कार्यकर्ता है, ANN है, मेडिकल ब्लॉक ऑफिसर है, आप उससे संपर्क करें, क्योंकि आज की तारीख में हर एक गांव में बिल्कुल जागरूकता बहुत जरूरी है। सर मैं आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, फिलहाल आप लोगों से चर्चा मेरी ये जारी रहेगी और ग्रामीण स्तर पर अगर लोग हमें देख रहे हैं तो आप बने रहिएगा, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे हम, लेकिन उसके बाद भी तीनों एक्सपर्ट हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ और सवाल हैं जो आप लोगों के सवाल हैं उन्हें हम पूछने की कोशिश करेंगे, छोटा सा ब्रेक। तो गांव में जिस तरीके से संक्रमण बेलगाम हुआ है इस पर हम चर्चा इस वक्त कर रहे हैं, देश के जाने माने 3 डॉक्टर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं चर्चा करने के लिए। डॉक्टर शरद पंडित, जागरूकता को लेकर हम लगातार बात कर रहे थे सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि इसमें आप हमारी सरकारों की भूमिका किस तरीके से देखते हैं। हमारा एक आयुष मंत्रालय है सर, लगातार कहा गया कि घर पे अगर हम चीज़ों का सेवन करेंगे तो बेहतर रहेंगे, काढ़ा बनाएंगे, गांव में बहुत इस पर लोगों ने फोकस किया और कोशिश उनकी ये रहती है
कि जो घर की चीज़ें हैं क्यों ना उनसे हम इम्यूनिटी अपनी बढ़ाएं। लेकिन इस बीच सर आ जाता है कि फिटकरी का इस्तेमाल लोग करें और बहुत तरह की दवाइयां लोगों को बता दी गई, कपूर के इस्तेमाल के बारे में लोगों को बता दिया गया। इसके बाद कोरोनिल पर भी काफ़ी हमने देखा विवाद हुआ और कोरोनिल को खुद अगर इंडोर्स कर रहे हैं सरकार के मंत्री हमारे, तो क्या ये विरोधाभास पैदा करता है? एक तरफ हम जागरूकता की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो दूसरी जागरूकता है वो ज़्यादा हो जाती है, मतलब जो सही डायरेक्शन में जानी चाहिए वो दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है। देखिए इस सब जो है हमको इसका जो है सही स्वरूप जो है ग्रामीण जनता के समक्ष रखना पड़ेगा और ये भी जो है हमारा ही दायित्व है, शासन का दायित्व है, हमारे जो है स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि इसके बारे में वो बताएं। देखिए दूसरी जो चीज है, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई भी उपाय किया जाए उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है, परंतु चूंकि मैं एलोपैथिक क्षेत्र का व्यक्ति हूँ तो मैं बहुत अथॉरिटी के साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में जो है दखलंदाजी नहीं करूंगा, फिर भी ये कहूंगा मैंने इसीलिए सवाल पूछा सर कि अगर आयुष मंत्रालय है तो उसे हर चीज सामने से आकर बतानी चाहिए सर, कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। ये आयुष मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको लगता थी कि वो चीजों को बताए बेहतर तरीके से? नहीं, मेरा ये कहना है कि ये जो दवाएं हैं आयुर्वेदिक दवाएं या काढ़ा या अन्य प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवाएं, ये सपोर्टिव ट्रीटमेंट के रूप में ली जा सकती है, परंतु प्राइमरीली हमको जो है इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना है। देखिए क्या है, ये जो कोरोना है, कोरोना का जो है वायरस है, इसके लिए जो ऑथेंटिक ऑथोराइज जो एलोपैथिक के क्षेत्र में दवाइयां निर्धारित की गई है, प्राइमरीली वहीं का उपयोग होना चाहिए। तो पहली तो जो हो गई अवेयरनेस की गतिविधि, अवेयरनेस की गतिविधि में ये है कि लोगों के जो जहन में इसके प्रति जो भय है, डर है, उसको निकाला जाना चाहिए। दूसरा जो है इसमें जो है ये हमारी जो पॉजिटिव स्टोरी है वो भी सामने आना चाहिए कि भाई इतने मरीज प्रभावित होते हैं परंतु आज भी जो है वो मृत्यु दर जो है वो 3% 4% ही है, बाकी लोग अच्छे हो जाते हैं यदि प्रारंभिक रूप से ही इसके बारे में हम लोग सतर्क हो जाएं और उपचार प्रारंभ कर दें। तीसरा जो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि लोगों को जो है हमको अधिक से अधिक लोगों को समझाना पड़ेगा, हमारे पास स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का दल है, हमारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो पंचायतें हैं, वो ये रोल बखूबी निभा सकती है, तो ये कुछ उपाय अपने को जो है अपनाना पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ जो टीकाकरण की जो गतिविधि है उसको ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाना पड़ेगा। ये बात सही है कि संकोचित होते हैं लोग, कुछ लोग जो है वो भाई की वजह से भी टीके नहीं लगाते, तो उनकी इस भ्रांति को दूर करना पड़ेगा, उनकी जो है जो इसमें जो अंधविश्वास है या अवधारणाएं जो गलत बनी हुई है वो निकालना पड़ेगी। तो इसमें जो है हम लोग जो है कुछ जो है रोल मॉडल्स रहते हैं जिन्होंने टीके लगाए, जो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, उनका परिवार सुरक्षित हो गया, ऐसे लोगों को गाँव के लोगों के समक्ष हमारी चौपालों पर कहीं जो है वो जो है ग्राम पंचायतों में वहां जाके उनको जो है आगे लाना पड़ेगा कि देखिए ये रोल मॉडल है, ये लोग जो है टीका लगाए और उसके बाद पूरी तरह से सुरक्षित है और दूसरा टीका भी लगवाया इन्होंने। इसके इस तरह के लोगों के जब मैसेज जाएंगे तो निश्चित रूप से उनके मन से भय मिटेगा। दूसरा जो हमारे कोरोना से प्रभावित लोग हैं, कोरोना से वो पूरी तरह जब ठीक हो गए, उन लोगों को भी हमको एक रोल मॉडल के रूप में जो है लोगों के सामने ले जाना चाहिए कि देखिए ये आते हैं इस तरह के कई हैं कि कोई वृद्ध है या कोई बहुत ही अधिक जो है वो ज्यादा उम्र की महिला है, वो कोरोना से पूरी तरह से ठीक हुई, तो ये लोग जब जाएंगे सोसाइटी में ग्रामीण क्षेत्रों में इन लोगों को जो है वो रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करें ताकि उनका आत्मविश्वास बढ़े कि देखिए ये लोग भी अच्छे हुए हैं उपचार के बाद। तो ये दोनों चीजें हमको करना पड़ेगी, उन लोगों को जो है अवेयरनेस की एक्टिविटी किसी भी तरीके से उनमें आत्मविश्वास जागृत करना पड़ेगा और साथ ही साथ उनको ट्रीटमेंट के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। ठीक, मैं डॉक्टर विक्रांत आपके पास आ रहा हूँ। तीन पद्धति को अगर हम सर ले लें, आयुर्वेद, एलोपैथी और होम्योपैथी, क्योंकि सर आज की बीमारी तो है नहीं सर, अब ये 1.5 साल इसको चलते चलते हो गया है, तो तीनों के लिए जिसकी मर्जी जो वो उस हिसाब से इलाज ले लें, लेकिन भारत सरकार या राज्य सरकारों की ये जिम्मेदारी तो बनती है सर कि वो कुछ गाइडलाइंस जारी करें, कुछ लोगों को सटीक जानकारी, स्पष्ट जानकारी दें कि कोई सी पद्धति आप इस्तेमाल कीजिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस पर कुछ रिसर्च हुई हो। अब हमारी एक सांसद हैं वो कह देती हैं गौमूत्र पी लीजिए,
एक मंत्री जी हैं मध्य प्रदेश के ही, वो कहते हैं हम हवन करेंगे, कंडे जलाएंगे, बहुत सारे लोग कर रहे हैं गांव में, किसी की विश्वास पर या जो श्रद्धा है उस पर सवाल नहीं है सर। लेकिन ये तो हमारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो इन तीनों पद्धति की जो रिसर्च कर सटीक जानकारियां आई हैं उस हिसाब से इसका इलाज करवाते तो ज्यादा बेहतर था। रिकॉग्नाइज है एमसीआई के द्वारा, किसी भी पद्धति के फायदे नुकसान होते हैं। कोरोना ऐसी बीमारी है जिसका आज तक कोई सटीक इलाज किसी भी पद्धति से कोई भी दवा अभी तक अवेलेबल नहीं है कि 100% इसको श्योर इस पे काम करते। अब सरकारों के साथ साथ मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी समाज की भी, आप कुछ भी खा लें कुछ भी पी लें, इम्यूनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको एक दिन दो दिन में बढ़ा लेंगे या उससे आप ऐसा करेंगे कि आपको डिजीज नहीं है। हमारी जो किचन है वो आम भारतीय किचन से होती है, वो अपने आप में आयुर्वेद का एक खजाना होती है। हमारे स्पाइसेस हमारे मसाले जो है वो अपने आप में ही बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा खा लें और आप उससे ठीक हो जाए या उससे आपकी इम्यूनिटी ऐसी हो जाए कि आपको कोई बीमारी होगी ही। इम्यूनिटी परसों में डेवलप होती है, इंफेक्शन होते हैं उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी बनती है, आपके अंदर बॉडी में विटामिन प्रोटीन ये सब चीजें जरूरी है। लेकिन कोई भी चीज ऐसा करना जो अप्रूव नहीं है वो स्वास्थ्य को नुकसान है। ठीक डॉक्टर विक्रांत, आपको लगता है कि इन चीजों को रिसर्च कर थोड़ा सा हम अप्रूव कर जनता के सामने रखे तो बेहतर? अगर सर हमारी कोई पद्धति है तो हमें क्यों शर्माती है सर उस पर, क्योंकि रिसर्च नहीं है? रिसर्च तो चली रही है, एलोपैथी कर रहा है, आयुर्वेद में भी कुछ दवाइयां हैं और होम्योपैथ भी अभी कुछ दवाइयां आई हैं जो दी भी जा रही हैं कुछ जगहों पर, उनके सकारात्मक परिणाम भी देखे गए। ऐसा नहीं कि रिसर्च नहीं चल रही है, मल्टीपल लेवल पर रिसर्च चल रही है और उनके रिजल्ट भी आ रहे हैं। ये डिजीज ही ऐसी है और टाइम पीरियड इतना कम मिला है, ये देखिए कितनी बड़ी अच्छी बात है कि हमारे साइंटिस्ट ने इतने कम समय के बावजूद इतनी अच्छी वैक्सीन बना ली जो बहुत ही इफेक्टिव है और लोगों का जीवन बचाता है। आज तक के इतिहास में विज्ञान के इतने कम समय में इतनी सारी वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। आप सोचिए अगर वैक्सीन नहीं होती तो क्या हाल होता, कितने बड़े लेवल पे मोर्टेलिटी होती, आज बिल्कुल तहस नहस हो चुका होता। बिल्कुल डॉक्टर विक्रांत, आप कहना चाहेंगे इस पे कुछ? सॉरी डॉक्टर सुदीप से सवाल, डॉक्टर सुदीप कुछ कहना चाहेंगे इस पे आप? किस सिलसिले में एग्जैक्टली? जो तीनों हमारी पद्धति हैं इसको, जैसे हमने एलोपैथी को लेकर, दवाइयों को लेकर, स्टेरॉइड्स को लेकर, हमने ऑक्सीजन को लेकर, इन सब के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस जारी की, तो क्या होम्योपैथी या फिर आयुर्वेद के लिए भी कुछ गाइडलाइंस सरकार जारी कर दे तो बेहतर होगा कि हमें कौन सी स्टेज पर होम्योपैथी का इस्तेमाल करना है, कौन सी स्टेज पर? क्योंकि सर गांव देहात में तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो दवाई दे देते हैं कि लीजिए ये होम्योपैथी, इसका कोई नुकसान नहीं है, एलोपैथी से तो आपको ब्लैक फंगस हो जाएगा, फलाना डिमका हो जाएगा, इस तरह के भ्रम बहुत फैला देते हैं। तो उन लोगों को सटीक जानकारी हो, उनके पास जानकारियां तो पहुंच रही हैं सर, उनके पास वीडियोस पहुंच रहे हैं, कोई बाबा कह देता है कि आप फिटकरी का गरारे कर लीजिए आपको कुछ नहीं होगा, तो जानकारियां पहुंच रही हैं, लेकिन अगर सरकार उन्हें ठीक तरीके से पहुंचा दे तो और बेहतर होगा। देखिए आपने बहुत ही सही सटीक सवाल किया है जिसका जो बेसिक क्रक्स है कि देयर इज एक रोल ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी होनी चाहिए जो आपने बोला था। ये तो ये बहुत अनिवार्य है सेंट्रल लेवल से एंड सेंटर के बाद हर स्टेट लेवल से एक रोल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस जारी होनी चाहिए कि बेसिकली देखिए क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो हमें बेसिकली हम लोग सब जानते हैं कि हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पैरासिटामोल देते हैं, विटामिन सी जिंक सप्लीमेंट्स देते हैं, खांसी के लिए दवाई देते हैं, सिरप देते हैं, तो ये सारी दवाइयों का एक गाइडलाइंस सेंटर की तरफ से और वही स्टेट की तरफ से शहरों में और वही चीज सेम नीचे गांव में इसको इसकी अवेयरनेस और पर्कुलेट मैसेज जाना चाहिए और ये जरूर जाना चाहिए कि क्या क्या चीजें नहीं हाथ लगानी है, जैसे कि स्टेरॉइड्स को हाथ नहीं लगानी है, एंटीवायरल को एकदम से हाथ नहीं लगाना है। अब आप बोल रहे हैं कि अपन आयुर्वेद की बात करेंगे, होम्योपैथी की बात करेंगे, मैं ये सोचता हूँ कि इस समय पे हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिक्सअप ना करें। क्या होता है कि अगर अपन बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप करने लगेंगे तो वो गड़बड़ हो जाता है, इलाज आगे जाके लंबे उस पर
आप बेसिक एक जो रूल गाइडलाइंस चल रही है उसको रखिए। आपका विलेज में गांव के लेवल पे आपका जो मॉडल ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप बहुत बड़े स्तर पे अवेयरनेस की ड्राइव, एजुकेशन की ड्राइव बढ़ाइए। उसके बाद जो हमारा स्वास्थ्य का जो वर्तमान ढांचा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसके नीचे CHC, उसके नीचे PHC है, फिर उसके नीचे जो ग्राउंड में वर्कर है, आशा ANM, ये लोग गाँव गाँव में जहाँ जहाँ पे लोगों के पास से बुखार की, खांसी की इसकी खबरें आ रही है, उनसे जाके संपर्क करें, उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट वहीं के वहीं लगाएं ताकि वो ग्रुप में जाएं, इमीडिएटली वहीं टेस्ट लगाएं। टेस्ट लगाते साथ ही आपको जैसे मालूम पड़ता है कि एक घर में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति अगर इन्फेक्ट हो रहे हैं तो उसमें उनको बोले कि अगर उनके घर में होम आइसोलेशन की सुविधा है उसको करें, और फिर उस पेशेंट को वही कार्यकर्ता उसको रोज मॉनिटर करें कि उसकी स्थिति कैसी है। अगर क्योंकि आपने देखा होगा गांव में एक ही जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली का हमेशा कल्चर है, तो आप वहां पे जो बुजुर्ग व्यक्ति है, बुजुर्ग महिला है, उनको आप निकाल के, पास में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, स्वास्थ्य के केंद्र होते हैं, गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स होती है, वहां पे आप मेकशिफ्ट जो है एक कोविड केयर सेंटर बना लीजिएगा जिसमें आप बेसिकली पेशेंट को मॉनिटर कर लें, और फिर अगर वो इम्प्रूव होता है तो आप डिस्चार्ज कर दें, और वो अगर वर्सिंग हो रही है तो उसको आप इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराइए या हायर सेंटर में शिफ्ट कराइए। तो मेरे ख्याल में बेसिक गाइडलाइंस, हम सिंपल गाइडलाइन रखें, एक गाइडलाइन रखें, बहुत ज्यादा चीजें हम करेंगे तो वो मिक्सअप होकर देखिए वो कन्फ्यूजन हो जाएगा, और कन्फ्यूजन से फिर वो गड़बड़ी होती है। और दूसरी बात, आप जो बोल रहे थे कि जैसे दूसरे लोगों ने कुछ कुछ सजेशन दिए हैं अलग अलग के, चाहे आपने अभी मेंशन किया है, मेरा मानना यही है कि जो भी व्यक्ति एक उत्तरदायित्व वाले बहुत ऊंचे पद पे व्यक्ति होता है, आई थिंक उसको बहुत सोच के समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ी आपदा से गुजर रहे हैं। तो हमारे एक एक शब्द से बहुत सारे लोग हमारे आपको मानते हैं, तो लोग मानने लगे उससे कोई उसका बुरा प्रभाव ना पड़े, ये मेरा मानना है। ये थोड़ा सा डिबेटेबल पॉइंट भी रहा है डॉक्टर शरद पंडित, और थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल भी, कि ये महामारी है, हमारे नेताओं की जिम्मेदारी बनती है, सवाल सीधे उनसे पूछे जाते हैं, लेकिन क्या इस महामारी के दौर में वो थोड़ा सा अपने आप को बैक स्टेज ले आए तो बेहतर है, डॉक्टरों को और ज़्यादा एम्पावर कर दें, उनको और ज़्यादा सोचने दें, समझने दें, काम करने दें अपने तरीके से, ज़्यादा बेहतर होगा, बेहतर रिजल्ट हम ला सकते हैं क्या? को उनके जो है वो स्वतंत्रता दी जाना चाहिए, और जो है वो स्वच्छंद रूप से बराबर जो है निर्भीक होकर काम करें। देखिए क्या होता है, कई बार अनावश्यक दबाव से जो है, और कई बार जो है वो राजनीतिक हस्तक्षेप, प्रशासनिक हस्तक्षेप, ये जो इन दिनों ज्यादा देखने को मिल रहा है, उससे जो है कहीं ना कहीं जो है वो डॉक्टर्स का मनोबल टूटता है। तो मैं इसमें ये कहूंगा कि डॉक्टर्स को फ्री हैंड देना चाहिए, उनको जो भी संसाधन है सब देना चाहिए, वो बिल्कुल जो है वो सक्षमता से काम इतने पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो फ्रंटलाइन वर्कर है वो भी जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो ऐसे सब लोगों को फ्री हैंड देना चाहिए, उनको काम करने की स्वतंत्रता देना चाहिए और अनुकूल वातावरण देना चाहिए। उनमें राजनीतिक प्रशासनिक हस्तक्षेप को जो है यथासंभव मिनिमाइज किया जाना चाहिए, बिल्कुल कम से कम करें, जहाँ आवश्यक हो वहीं वो प्रशासनिक दखलंदाजी हो तो डॉक्टर जो है वो मैं समझता हूँ ज्यादा सक्षमता से काम कर पाएंगे। और हमारे पास जो डॉक्टर्स हैं, योग्य डॉक्टर्स हैं, हमारे पास अच्छे जो है फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जो काम कर ही रहे हैं, तो उनको यदि जो है उनका मनोबल बढ़ाया जाएगा, उनको जो है हम लोग एनकरेज करेंगे, तो निश्चित रूप से उनमें काम करने की जो है वो इच्छा शक्ति और प्रबल होगी। तो ये सब चीजों के साथ हमको जो है आगे बढ़ना होगा। कोविड की हम थर्ड वेव की भी बात करते हैं, हम लोग जो है वो इसके अलावा जो है एक अलग म्यूटेंट जो है वो अलग अलग तरह के आ रहे हैं उनके बारे में बात करते हैं, पीडियाट्रिक एज ग्रुप को प्रभावित करेगा ये भी एक खबर है, तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को कॉन्फिडेंस में लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, उनको हतोत्साहित न करें। दूसरा जो है इसमें जो है वैक्सीनेशन वाली बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये दायित्व है शासन का कि वैक्सीन फ्रीली, उसकी जो है इतनी फ्री एक्सेस होना चाहिए कि हर जो है सिटीजन पहुंच जाए और वैक्सीनेशन के काम में जो है उसको टीका मिले। तो सर लोग तैयार भी हैं, दिक्कत ये आ रही है कि पहुंच नहीं पा रही वैक्सीन, कमी है वैक्सीन की बहुत ज्यादा, उनको दूर करना पड़ेगा। मैं डॉक्टर विक्रांत आपके पास आ रहा हूं सर, ग्रामीण इलाकों में जो एक और दिक्कत पेश आ रही है वो ये कि अपनी मर्जी की दवाइयां भी बहुत हो गई हैं सर। जी
एक पैरासिटामॉल खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे आप, उससे आगे बढ़ना ही नहीं है। रोज़ बुखार आया जा रहा है, रोज़ पैरासिटामॉल खाए जा रहे हैं। पैरासिटामॉल की भी तो लिमिट होती होगी सर, कितने दिन तक खाना है। और मैंने ऐसे केस भी सुने हैं 15-15, 20-20 दिन हो गए हैं, वो रोज़ एक दिन छोड़ के या एक दिन बाद उनको बुखार आता, फिर से पैरासिटामॉल खा लेते हैं। बिल्कुल, इसलिए मैंने पहले कहा कि जो हमारा वहाँ पे ढांचा बना हुआ है उसको हम ट्रेन कर सकते हैं, तो हमें यही ट्रेन करना है कि कौन सी दवा कब तक दी जाए और उसके बाद उस मरीज को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाए जिससे वो जल्दी से जल्दी डायग्नोस एंड ट्रीट हो सके। जबकि आज के समय में हर बुखार कोरोना बुखार नहीं है, दूसरी भी बीमारियां हो सकती हैं या कोई और डायग्नोसिस भी बन सकती है, लेकिन हर बुखार को कोरोना समझ के उसका वहीं पे इलाज करते रहना, पैरासिटामोल खाते रहना, ये तो मरीज की जान के साथ खिलवाड़ होगा। एक टाइम फ्रेम है कि 5 दिन 6 दिन तक अगर नहीं वो ठीक हो रहा है और कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ डॉक्टर को, तो फिर वो हायर सेंटर उसको रेफर कर दे जिसकी उसके जाँच हो सके और उसका एप्रोप्रिएट तरीके से इलाज हो सके। ठीक डॉक्टर सुदीप, कुछ लोग ऐसे भी हैं सर गाँव में जो किसी तरीके से ठीक तो हो गए हैं, उन्हें फीवर अब नहीं आ रहा है, जैसी भी दवाई गोली उनकी हुई हो, जो भी खाया हो उन्होंने, लेकिन उनका ये कहना है कि अब हमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ गई है, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं उठना बड़ा मुश्किल हो रहा है उनके लिए, तो अब उसके लिए भी वो डॉक्टरों के पास दौड़ रहे हैं, फिर झोला छाप डॉक्टरों के पास पहुँच जाते कि इसकी भी कोई दवाई दीजिए, तो उसके लिए कोई दवाई लेने की ज़रूरत है या बेटर ये है कि वो अपनी डाइट पर काम करें, और गाँव में आपको लगता है कौन सी चीज़ वो बेहतर हो सकती हैं जिन्हें वो अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? देखिए बिल्कुल, आपने जो सवाल बोला है ये गांव नहीं, ये पूरे देश में, पूरे दुनिया में जितना भी मरीज कोविड होके निकला है उसका सबसे बड़ी जो कंप्लेंट अगले एक महीने रहती है वो रहती है कमजोरी। आप किसी भी मरीज से बात कर लेंगे, हम रोज देख रहे हैं ऐसे मरीज आ रहे हैं कि मतलब उनका जो एनर्जी लेवल है और उनमें थकान है इतनी ज़्यादा रहती है अगले एक महीने तक जिसका कोई हिसाब नहीं रहता है, और ये गांव नहीं शहर सब जगह ये हो रहा है। तो हम लोग का सुझाव सब लोगों के साथ यही रहता है कि उनको अच्छे से अच्छी हेल्दी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट लेना चाहिए, ज़्यादा मिल्क, दूध या दूध के प्रोडक्ट होते हैं, पनीर हुआ, छाछ हुआ, दही हुआ, ये लेना चाहिए, जौ खाए, बाजरे की रोटी खाए, फल खाए, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लीजिएगा। बेसिकली प्रोटीन की मात्रा डाइट में उनको ज़्यादा रखना है, एक कोई चीज रखना है, फल खाना है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स ज्यादा लेना है हमको। तो यही सुझाव हम लोग शहर में देते हैं और यही सुझाव हमें हम गांव में हर व्यक्ति को फॉलो करना चाहते हैं। गांव में एक दिक्कत और आ जाती है सर कि शहरों में उतने भारी काम हमारे पास नहीं होते करने के लिए, ज़्यादातर हम बैठने के काम ही कर रहे होते हैं जो ऑफिस वाले लोग हैं, लेकिन गाँव में क्या है सर, उनको मेहनत का काम भी करना होता है, शारीरिक बहुत ज़्यादा काम करना होता है, और उनका ये मानना था नहीं हम कर लेंगे, तो उसका क्या दुष्प्रभाव हो सकता है अगर वो कमजोरी के बावजूद काम करने जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं फिर कोई और बीमारी उन्हें घेर सकती है यहाँ से, और कितने दिन उन्हें आराम करना मतलब, चाहिए इस दौरान? मतलब देखिए मेरे ख्याल में 3 हफ्ते का समय लगता है और 3 हफ्ते में वो जो कमजोरी है वो धीरे धीरे ठीक आ जाती है। और होता क्या है, देखिए गाँव का व्यक्ति और शहर के व्यक्ति का दोनों की बनावट, उनका रहन सहन, उनका खान पान, जमीन आसमान का फर्क। जो शहर के व्यक्ति को जो चीज़ का रिकवर होने में 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, वही चीज़ को गांव के व्यक्ति को रिकवर होने में 2 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाएगा। तो मतलब वो खाली यही है कि वो थोड़ा सा उसको धीरे चलना है, थोड़ा सा उसको खान पान पर ध्यान रखेगा, 2 हफ्ते में गांव वाले व्यक्ति है बिकॉज वो लोग रोज बहुत एग्जर्शन वाले काम करने के आदि होते हैं, तो 2 हफ्ते में वो लोग ठीक हो जाते हैं जो यंग लोग होते हैं। और शहर में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है, इतना ही इतना ही फर्क रहता है। बट बड़ी बात मैं बेसिकली आपको बताऊं कि हमें हमारे जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जो गांव में हैं, चाहे वो पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और उसके नीचे लेवल की है, इसको हमें बहुत बहुत ज्यादा स्तर तक हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोरोना पे काबू कभी नहीं कर पाएंगे अगर हम इसको गाँव में हम इसको रोक नहीं पाएंगे। और गांव में जैसे आपने शुरुआत में एक बार एक जगह बोला था कि बहुत सारे लोग टाइफाइड के नाम से चले जाते हैं, आपने बिल्कुल सही विश्लेषण किया है। ये हमारे पास इतने सारे गांव के पेशेंट हैं जो कि ये कहते हैं कि उनको तो बुखार आया, खांसी हुई और उनके डॉक्टर ने, बगल वाले ने बोला कि उनको मोती झरा हो गया है। मोती झरा मतलब टाइफाइड फीवर हो गया है।
तो उसका इलाज कराया, यंग बच्चे ठीक हो गए और जो बूढ़े हैं खांसते खांसते मर गए। तो वो बहुत हद तक हमें देखिए केरल का जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है वो क्यों सबसे बेहतर माना जाता है हमारे देश में, बिकॉज उनकी जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर CHC जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर, इसी पे ही इतना अच्छा काम करते हैं कि आपको अगर याद होगा एक दो साल पहले एक निपा करके एक वायरस आया था बैडिक, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मोर्टिलिटी 100% की थी। आप सोचिए उस तक को उन्होंने कंटेन करके उस तक को उन्होंने काबू कर लिया था, बेसिकली वो PHC लेवल पे और CHC लेवल। तो हमें हमारे स्वास्थ्य का ढांचा के ऊपर बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण करना है, तभी हम ये कोरोना के ऊपर कंट्रोल कर पाएंगे। डॉक्टर शरद पंडित, क्योंकि एक और महामारी अब घोषित हो गई हमारे देश में, वो है ब्लैक फंगस, जिसे हम आम भाषा में बोल रहे हैं, और इसमें कहा जा रहा है कि हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण स्तर पर खुले नालियां हैं सर, हाइजीन करना मुश्किल हो जाता है कई बार, और हमने देखा है कि कई बार खेत में से कोई चीज़ आकर डायरेक्ट वो इनटेक कर लेते हैं उसको, तो क्या इस बीमारी का खतरा भी गाँव में ज़्यादा हो सकता है या इसकी आशंका कम लगती है आपको? गांव में भी खतरा इसका हो सकता है। एक्चुअली जो फार्मिंग का काम करते हैं, खेतों में जो रहते हैं, ये स्पोर्स जो है वो मिट्टी से भी जो है वो या फार्मिंग के काम में लगे हुए हैं, कहीं भी कीचड़ मिट्टी ये होता है तो उसके साथ जो है वो बॉडी में जो है प्रवेश कर सकते हैं। और जहां प्रतिरोधक क्षमता कम हुई और जो है प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ साथ जहां अनहाइजीनिक जो है कंडीशंस प्रिवील करती हैं, जैसे हाइजीनिक पार्ट जो रहता है या सैनिटेशन पार्ट है वो यदि कमजोर है तो ये स्पोर्स जो है वो नाक के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के द्वारा, मुंह के द्वारा ये प्रवेश कर सकते हैं। तो बिल्कुल हमको जो है इस संबंध में अलर्ट रहना है और जो इस तरह के ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसको नजरअंदाज किया नहीं जा सकता। तो छोटे छोटे जो है जो संदेशों के माध्यम से गाँव को भी नागरिकों को भी अलर्ट करना पड़ेगा कि ये जो है इस तरह का एक म्यूकोस जो है म्यूकोर माइकोसिस करके जो एक फंगल इन्फेक्शन आया है और ये जो है कोरोना के साथ संभावित है, कोरोना के अलावा भी हो सकता है, जहां शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, जहां अनहाइजीनिक कंडीशन प्रिवील करेगी, जो कोमॉर्बिडिटी यानी जो डायबिटीज और इस तरह की जो है वो समस्याओं से ग्रसित है उन लोगों को हो सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो है हमको पूरी तैयारी रखना पड़ेगी कि कहीं इस तरह की जो है केसेस की संख्या वहां ना बढ़ने लगे। बहरहाल समय इतना ही है, आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए, और उम्मीद है कि ग्रामीण भारत में जो लोग रहते हैं उन्हें बहुत जानने को मिला होगा आप सभी लोगों से, और कुल मिलाकर बात यही है कि बुखार अगर आ रहा है तो उसमें हमारे डॉक्टर साहब जिस तरीके से बता रहे थे बहुत हद तक चांस हैं कि जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं खांसी जुकाम बुखार की उसे लेकर आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक ही वेट करिए, अगर उसके बाद आपकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है तो जो भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा है आपके आसपास वहाँ जाइए, उनको इन्फॉर्म कीजिए अपने हेल्थ के बारे में। अगर आप अच्छे अस्पताल तक जा सकते हैं खुद से तो ज़रूर जाइए और अपना चेकअप कराइए, नहीं तो बहुत संभावना है कि नॉर्मल दवाइयों से आप ठीक हो जाएंगे। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, साफ सफाई का ध्यान रखिए और ज़्यादा अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी है। छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, खबरें लगातार जारी हैं।